हेलो फ्रेंड्स, प्रिंटर रिपेयरिंग सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आपको फिर से स्वागत है। तो देखिए, हमने इसके बारे में बताया था पहले डीएसएमिंग के बारे में। अब मैं सारे असेंबलिंग करने जा रहा हूँ, एक एक पार्ट्स को लगाने जा रहा हूँ, किस तरीके से हमें लगाना है और इसमें क्या क्या ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, सबसे पहले अभी हमारा कार्टेज हेडम असेंबली होता है, इस असेंबली को जो जिस असेंबली पर चलता है उस असेंबली पर पहले हम इसे सबसे पहले लेकर आएंगे और इस पर जो लगे हुए टाइमिंग बेल्ट और टाइमिंग बेल्ट को भी देख लेते हैं। जो देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ हम इसे कर लेते हैं और इसके बाद में और ये जो देख रहे हैं लॉक में हम सबसे पहले इस कनेक्टर्स को बैठा लेते हैं। जो देख रहे हैं इसे हम लॉक में बैठा दिए हैं और इसे कुछ नहीं करना है, आपको सामने इसे रखना है और पुशअप कर देना है, सभी लॉक को बैठा देना है। और इसके बाद में थोड़ी सी इस केबल को इधर खींच लेंगे और इसके बाद में इस लॉक को यहाँ पर लाते हैं और फिर इस लॉक को भी यहाँ पर कटर में बैठा देते हैं। और इसके बाद में इस केबल को फिर अंदर के साइड में ले जाके इसे फिट कर देते हैं। अब इसके बाद में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये सेकेंडरी पुली साइड में सबसे पहले हम बेल्ट को लगा लेंगे। बेल्ट को सेकेंडरी पुली साइड में लगाएंगे और सेकेंडरी पुली साइड को अंदर के साइड में ऐसे प्रेस करेंगे। जो देख रहे हैं ये अंदर के साइड में ऐसे प्रेस कर रहे हैं सेकेंडरी पुली साइड को, और देखिए प्राइमरी साइड में हम बेल्ट को यहाँ पर चढ़ा लेंगे। और अब इसके बाद में इसे और अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेड कैरिज शाफ्ट को लेंगे। जो देख रहे हैं शाफ्ट हमारा ये है, इसे बोलते हैं हेड कैरिज शाफ्ट। शाफ्ट को लेते हैं, शाफ्ट को लेने के बाद फिर क्या करते हैं, इस लॉक से अंदर के साइड में इसे प्रेस करेंगे और अंदर से होते हुए प्रॉपर वे में अंदर के साइड में इसे ले जाएंगे। देखिए ये शाफ्ट को, और देखिए बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। और जाने देंगे फिर इस कट में, यहाँ पर लॉक में लगा लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी लॉक जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं सी लॉक। इस सी लॉक को हम लॉक को प्रेस कर लेते हैं। सी लॉक को इसके लिए एक नोज प्लायर की भी जरूरत हो सकती है आपको, पर नोज प्लायर रहेगा तो इजी वे में आप इसे सी लॉक को लगा सकते हैं कट में हमने जैसे बैठाया। ठीक है, अब इसके बाद में इस असेंबली को थोड़ा सा इसे घुमा के देख लेते हैं कि कहीं घूमने में तो प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रहा है। और फ्रीली मूवमेंट होना चाहिए, ये जो देख रहे हैं ये फ्रीली मूवमेंट होना चाहिए हमारे हेड कैरिज शाफ्ट में। अब देखिए प्रॉपर वे में मूवमेंट कर रहा है। अब इसके बाद में एक हमारा इनकोडर स्ट्रिप था जो आपको मैंने दिखाया ही था कि देखिए ये इनकोडर स्ट्रिप होता है।
इनकोडर स्ट्रिप को मैंने बताया था जिस साइड में गैप ज़्यादा है, जिस साइड में गैप ज़्यादा है उसे हमेशा, और देखिए कभी भी इनकोडर स्ट्रिप को टिश्यू पेपर से, देखिए टिश्यू पेपर है इसे क्लीन कर लेनी होती। अगर इसके ऊपर डस्ट आ गए हैं या इसमें और भी कुछ होता है कि जैसे कहने का मतलब इसमें डस्ट आने के कारण सेंस नहीं कर पाता है, तो हमारे कार्टेज हेड में असेंबली लेफ्ट साइड या राइट साइड में क्या करेगा, स्टक करता है। क्या करता है? स्टक करता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड में स्टक करेगा, और डिस्प्ले पर E3 एरर भी शो करते रहता है। क्या एरर शो करेगा? E3 एरर भी शो करते रहता है। तो इस तरह से हम इसे क्लीन भी कर लेते हैं। अब क्लीन करने के बाद अब इसे सेंसर को लेते हैं, सबसे पहले जो ये पत्ती होती है इस पत्ती को हमें इस साइड में लगा लेने, और इसके बाद में अब ठीक है कर लिए, इनकोडर स्ट्रिप भी हमने लगा दिया, क्योंकि इस इनकोडर स्ट्रिप और देखिए यहाँ पर लगे हुए इनकोडर सेंसर, इनकोडर स्ट्रिप और इनकोडर सेंसर का ही काम होता है हेड कैरिज मोटर, जो ये मोटर लगे हुए हैं इस मोटर को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मूवमेंट कराना। क्योंकि यहाँ पर जो मोटर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लगे हुए जो मोटर देख रहे हैं, ये मोटर जो है आप देखें मोटर कनेक्टर, दो पिन वाले कनेक्टर लगे हुए हैं इस मोटर में, तो ये दो पिन वाले कनेक्टर जो होते हैं मोटर में वो नॉर्मल मोटर होते हैं। तो नॉर्मल मोटर तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रोटेट करते रहेगा, लेकिन जब यहाँ पर सेंसर लगा दिया गया है जिसके कारण से क्या होता है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हमेशा ये रोटेशन करते रहता है। अब इसके बाद में दोनों साइड का लॉक के बाद में एक स्प्रिंग लगा देना होता है, तो इस स्प्रिंग को ऐसे लेंगे और इसके बाद में इस कट में हम इसे लगा देते हैं। देखिए ये स्प्रिंग हमारा है, इस स्प्रिंग को हमें यहाँ पर लगाना भी है। और इसके बाद में इस लॉक को भी दोनों साइड के स्प्रिंग को हमें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप यहां पर लगाना है। अब लगाने के बाद अब क्या होता है कि इसके बाद में हम इसे अपने जगह पर बैठा देंगे जी। और एक चीज और देखे थे, ये हमारा सेंसर है जिसमें मैंने बताया था, ये हमारा टॉप कवर सेंसर है और ये डिकोडर सेंसर, दोनों सेंसर आप देख ही रहे। इस सेंसर वाले कार्ड को सबसे पहले हम लगा देते हैं। आप देखिए ये हमारा डिकोडर स्ट्रिप हुआ जो देख रहे हैं, इस स्ट्रिप में ऐसे लगा देने, और इस पर एक स्क्रू भी हमें लगाना होता है, और मेटल वाला स्क्रू लगेंगे यहां पर, छोटे वाला स्क्रू। देखिए बारीक चूड़ी वाला स्क्रू लगाना है हमें, बारीक चूड़ी वाला। अब इसके बाद में हम यहाँ पर सबसे पहले ये कार्टेज हेड असेंबली पार्ट्स को लेकर आ जाते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर तीन स्क्रू भी हम लगा लेते हैं।
देखिए बारीक जो चूड़ी है वो मेटल बॉडी पर यहाँ पर स्क्रू टाइट होंगे। मेटल कहने का मतलब, मेटल तो ये हमारा है, इसके नीचे जो लग रहा है जिस पर स्क्रू टाइट हो रहा है उस बेस को हमें देखना होता है कि प्लास्टिक बॉडी है या मेटल है। तो मेटल पर हमेशा याद रखिएगा कि बारीक चूड़ी लगेंगे, बारीक चूड़ी वाला स्क्रू ड्राइवर स्क्रू लगेंगे, और मेटल जिसमें लगे होंगे उसमें बारीक, और जिस पर प्लास्टिक बॉडी होंगे वो मोटे स्क्रू वाले लगे जो आप देख रहे हैं सामने। अब इसके बाद में हम दोनों कार्टेज को लेते हैं, जो देख रहे हैं कार्टेज ये ब्लैक और कलर कार्टेज। तो दोनों कार्टेज को स्टेप बाय स्टेप, कभी कभी कुछ इशू हो जाते हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, तो उसमें आपको क्या करना होता है, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट देख रहे हैं इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को भी क्लीन करना होता है जी, क्योंकि इसी से क्या होता है कार्टेज को सेंस करता है। अगर ये सही नहीं लगा होगा तो आपको कार्टेज क्या होगा, सेंस नहीं करेगा और एरर देता रहेगा। देखिए आपका कलर कार्टेज लग गया जी। साथ में सेकंड नंबर हमारा होता है ब्लैक कार्टेज का। अब इसके बाद में इस असेंबली पर इस लॉक को, क्योंकि इंक टैंक वाला ये प्रिंटर है तो इंक टैंक में देखिए पाइप लगे हुए हैं, चारों पाइप में देख रहे हैं, चारों कलर के लिए अलग अलग पाइप लगे हुए हैं। अब इसे कट में कैसे बैठाना है, तो इसमें सबसे पहले इस साइड का कट में देखना है आपको, और इसे लॉक में ऐसे बैठा देना है, और ये लॉक का स्प्रिंग हम देखेंगे कि स्प्रिंग हमारा कहां पर है, और ये देखिए बिल्कुल फिट बैठ गया है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट चल रहे हैं लॉजिक बोर्ड के ऊपर, जो हमारा लॉजिक बोर्ड है जिसे हम फॉर्मेटर कार्ड भी बोलते हैं, तो इस फॉर्मेटर कार्ड के ऊपर लगाना है कि सारे कनेक्टर जितने भी है, तो ये सारे कनेक्टर्स का सप्लाई कहाँ से आ रहा है, हमारे फॉर्मेटर कार्ड से आ रहा है। सभी के ऊपर सिग्नल या सप्लाई जो भी है वो सब कहाँ से आ रहे हैं, फॉर्मेटर कार्ड से आ रहे हैं। तो देखिए मैं फॉर्मेटर कार्ड पर कौन कौन से कनेक्टर लगे होते हैं उस कनेक्टर्स के बारे में एक बार फिर दोबारा मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो देख रहे हैं आप कनेक्टर, इसे बोलते हैं स्कैनर कनेक्टर। देखिए लिखा हुआ भी है स्कैनर। नेक्स्ट जो एक कनेक्टर देख रहे हैं इस पर, यहां पर ध्यान से देखिएगा तो नीचे लिखा हुआ है कैरेज, तो ये कैरेज के लिए कनेक्टर है। और ये जो देख रहे हैं आप, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ पावर सप्लाई, तो इस कार्ड को भी पावर सप्लाई चाहिए, तो पावर सप्लाई देने के लिए अलग से एक कनेक्टर लगा हुआ है बड़ा सा दो पिन के, तो ये पावर दिया जा रहा है यहां पर। तीसरे नंबर पर आप यहां पर आ जाइएगा, तो यहां पर लिखा हुआ है कैरेज मोटर, जिसे बोलते हैं हेड कैरेज मोटर, तो हेड कैरेज मोटर के लिए एक कनेक्टर लगा हुआ है जो हमारे इस कैरेज को लेकर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ये रोटेट कराते रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट कनेक्टर्स के ऊपर आप आ जाइए, तो ये हम वहां पर जो लगे हुए कनेक्टर देख रहे हैं, जो देख रहे कनेक्टर्स, ये हमारा कनेक्टर्स है पेपर फीड मोटर कनेक्टर। क्या है, पेपर फीड मोटर कनेक्टर। और ये जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं पेपर सेंसर कनेक्टर, जो देख रहे हैं यहां पर कनेक्टर है पेपर सेंसर कनेक्टर। और ये जो हम आपको कनेक्टर बताने जा रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारा पैनल के लिए होते हैं, जो आप जिस पर एरर शो करते रहता है, फ्रंट पैनल जिसे हम बोलते हैं। और ये हमारा डिकोडर सेंसर और आपको टॉप कवर सेंसर का एक कनेक्टर है, इसी कनेक्टर से डिकोडर सेंसर के ऊपर और डिकोडर सेंसर और टॉप कवर सेंसर दोनों के ऊपर सप्लाई और सिग्नल जाते हैं। तो ये देख लिए, तो ये तो हमारा था लॉजिक बोर्ड का एक कनेक्टर का, मैंने डिटेल्स मैंने बताया कि कौन सा कनेक्टर पर क्या लगता है। अब आपको देखिए किस तरीके से लगाना है, ये भी हमें ध्यान रखना है।
अब देखिए हम यहाँ पर दो स्क्रू भी लगाने जा रहे हैं। अब इसके बाद में जो हमारा कैरेज कनेक्टर है, इस कैरेज कनेक्टर को भी यहां पर लगा देते हैं इजी वे में। अब इसके बाद में स्कैनिंग यूनिट को हम लाते हैं। जो स्कैनिंग यूनिट देख रहे हैं, इस स्कैनिंग यूनिट के 1x1 दोनों कनेक्टर्स को लगा देते हैं। जो देख रहे हो आप यहां पर स्कैनर कनेक्टर और ये जो हमारा कनेक्टर है फ्रंट पैनल का कनेक्टर्स। तो सबसे पहले हमने स्कैनर कनेक्टर देखिए इजी वे में लगा दिया है और इसके बाद में इस पैनल का कनेक्टर को भी लगा देते हैं। लगा देने के बाद अब हम इस प्रिंटर को क्या करेंगे, ऑन करके भी चेक कर लेंगे क्या जो पहले स्टेटस था वही सेम स्टेटस है, ऑन हुए ओके कंडीशन है, या इसे खोलने के बाद किसी तरह के कोई इशू प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो देखिए टॉप कवर को भी हमने लगा दिया है। सबसे पहले डेटा केबल को लगाएंगे, तो डेटा केबल यहाँ पर लगा देते हैं और इसके बाद में हम इसे पावर सप्लाई देंगे। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप प्रिंटर को ऑन कर लेते हैं क्योंकि हमने सारे असेंबलिंग का प्रोसेस जो भी था मैंने उसे कंप्लीट कर लिया है, सारे चीज कनेक्टर लग गए हैं। अब सबसे पहले हमने पावर स्विच को प्रेस किया और देखिए पावर ऑन भी हो गया। पावर ऑन होने के बाद इनिशियलाइजेशन मोमेंट स्टार्ट हो जाती है और प्रिंटर हमारा रेडी हो गया है। अब पैनल के ऊपर देख रहे होंगे तो यहाँ पर जीरो लिखा हुआ आ गया। क्या है जीरो? जीरो का मतलब होता है जीरो या वन लिखा हुआ आ जाता है, इसके मतलब समझे कि प्रिंटर आपका ओके हो चुका है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर इससे एक प्रिंटर का रिपोर्ट निकाल लेते हैं कि अभी तक कितने पेज ये प्रिंट आउट निकाल चुका है, वो भी रिपोर्ट हम निकाल लेते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा एक तरीका है कि जो लगे हुए पेपर स्विच है यहाँ पर, जो पेपर एलईडी के बगल में जो स्विच होता है, इस स्विच को और कमांड कैंसिल स्विच को दोनों को एक साथ में प्रेस करना है। दोनों को देखिए हमने प्रेस कर दिया एक साथ में। देखिए जैसे ही मैंने स्विच को प्रेस किया है ये पावर एलईडी क्या होगा, ब्लिंकिंग करना शुरू कर दिया है और देखिए इनिशियलाइजेशन मूवमेंट हुआ, पेपर भी लिफ्ट हो गया है और पेपर अब प्रिंट होकर बाहर भी आ रहा है। और देखिए ये बाहर आ जाएगा, तो जैसे ही हम आ जाएगा तो हम आपको रिपोर्ट भी दिखा देंगे। देखिए ये रिपोर्ट आ गया, ये हमारा पेपर का रिपोर्ट भी आ गया, तो बिल्कुल ही ओके प्रिंट आ रहा है। तो देखिए ये प्रिंटिंग था हमारा, जो पेपर को हमने पहले डी असेंबलिंग मैंने किया, हेड कैरिज मोटर से रिलेटेड सारे पार्ट्स के बारे में मैंने बताया एक एक पार्ट्स कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं किस, और उस पार्ट्स को कैसे फिर डी असेंबलिंग के बाद क्या होता है असेंबलिंग करके भी मैंने दिखाया और असेंबलिंग करने के बाद उसे प्रिंट आउट लिया और प्रिंट आउट बिल्कुल ओके आ गया है। प्रिंटर हमारा बिल्कुल ओके चलने लगा है, किसी तरह के कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो रहा है। प्रिंटर का एक रिपोर्ट भी मैंने निकाल लिया है जिसमें सारा प्रिंटिंग क्वालिटी के बारे में बता देता है, जिससे हमारा हेड के बारे में भी पता चल गया या जो कार्टेज लगे उस कार्टेज के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गया कि बिल्कुल परफेक्ट है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बात हुई हमारे प्रिंटर्स से रिलेटेड फॉल्ट्स की, लेकिन मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि यदि आप टेक्निकल हैंड नहीं है तो अभी के टाइम में आपको किसी तरह की कोई पूछता नहीं है आपको, क्योंकि अभी आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन अच्छे से अच्छे क्वालिफिकेशन होगा, आप बिल्कुल अच्छे टीचर होंगे, अच्छे आप स्कूल से पढ़े होंगे, कॉलेज में पढ़े होंगे, लेकिन आपके पास रोजगार का कमी है, क्योंकि रोजगार का इस समय जो है टेक्निकल होना बहुत जरूरी है। टेक्निकल होने के लिए आप एक बार जरूर हमारे मल्टी टेक इंस्टीट्यूट में विजिट कीजिए, आप देखिए कि कौन कौन से कोर्स हैं और लाइव प्रैक्टिकल क्लास देखिए और क्लास देखने के बाद फिर से ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि देखिए आपको कहने की जरूरत नहीं होगी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिलते हैं आपको,
लेकिन आपको सबसे पहली बात है कि आप हमारे बातों पर विश्वास मत कीजिएगा, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में लाइव प्रैक्टिकल आकर जरूर देखिए और देखने के बाद ही क्लास में ज्वाइन कीजिए, ठीक है। देखिए हमारे लिए मैंने आपको जिस तरह से मैंने प्रिंटर का वीडियो बनाया है, उसी तरह से हमारे पास जितने भी टीचर्स हमारे पास हैं सभी कम से कम 15 ईयर्स एबव माने 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस वाले टीचर्स हैं, जिनके बहुत ही अच्छा तजुर्बा है, हर लाइन में बताने का तरीका बेटर है। मैं इससे ज्यादा और क्या मैं बताऊं, ठीक है। लेकिन मैं आपको जरूर मैं बताना चाहता हूं कि एक बार जरूर आप हमारे विजिट कीजिए हमारे इंस्टीट्यूट को, और विजिट करने के बाद जरूर आप हमारे पास आइए और देखिए, फिर हमें बताइए। इसके लिए फिर आपको धन्यवाद, थैंक यू।